ग्राम प्रधान और सचिव ने प्रधानमंत्री आवास में घोटाला किया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्याप्त है। दरअसल मामला बरेली के विकास खंड दमखोदा बहेड़ी ग्राम का है, जहां केंद्र सरकार ने गरीबों के जनहित के मद्देनजर पीएम आवास योजना जारी की थी, जिसमें ग्राम प्रधानों ने विभागीय वित्तीय साठगांठ के चलते केंद्र सरकार की योजना का लाभ सिर्फ अमीरों को उपलब्ध कराया और गरीबों को इस योजना का लाभ नहीं मिलने दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। क्या नाम है आपका? मनोज। आज हमारे टीवी चैनल ऑफिस आ रहे हुए, क्या मामला है आपका? हमें रहने की समस्या है और हाँ दिक्कत बहुत है कि झोपड़ी में रह रहे हैं हम, वो हमें चाहिए इंसाफ। थाना कौन सा पड़ता है आपका? थाना मैंने बताया था सर, मैं आपको परेशानी ज्यादा है, हमने 3 साल से शिकायत भी दर्ज किया था बहेली भी गई थी ममता मैडम को दिया हमने, उन्होंने कागज भी फाड़ दिया, कह रहे सरकारी पैसा के लिए कि आप तो मुंहला बैठी हो। फिर दमखोदा से फोन आया, कह रहा आग लग जाते जिसको पानी में बह जाते उनको मिलता है कमरा, सब लोगों को थोड़ी ना मिलता है। जांच भी करते हैं और लेके भी जाते हैं जाँच करके, मगर फिर भी हमारे कोई काम ही नहीं हुआ है। सिक्योरिटी आते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि तुम कितने भी जोर लगा लो मगर तुम्हें कमरा नहीं मिलेगा। कौन कहता है आपसे? सर आवास के लिए हमने आवेदन किया था, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? मित्री चैनपुर। तो आप इसमें जो है किससे मिले आप? सेक्रेटरी से मिले? सेक्रेटरी साहब से मिले, बीडीओ साहब से मिले और विकास भवन भी गए वहाँ, सीडीओ साहब से भी मिले। विकास भवन किससे मिले आप? सीडीओ साहब मिले। तो आपको क्या आश्वासन दिया सीडीओ साहब ने? ये बोले कि आपका नाम लिस्ट में है नहीं, नाम पहले लिस्ट में था, सेक्रेटरी साहब ने हटा दिया। पहले बीडीओ साहब के यहाँ गए थे तो उन्होंने बोला नाम आपका है, अगले सेक्शन में आएगा। सर मकान के संबंध में क्या समस्या आ रही है बताएं? कोई हमारी सुनवाई नहीं रही सर। आप मतलब किस अधिकारी से मिले अब तक? आप हम सेक्रेटरी से मिले सर। ठीक। और वीडियो साहब से मिले। तो आपको क्या आश्वासन देते हैं वीडियो साहब या सेक्रेटरी? सबने सर कहते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर हमारी कोई सुनवाई ना आ गई हमारी। आप पात्र हैं? आप पात्र हैं? हाँ पात्र हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं? आप हम मकान चाहते हैं सर। कि मकान चाहते हैं? आपने अभी तक कितने अधिकारियों से मिल चुके हैं? हम दिल्ली भी दी एप्लीकेशन हमने। ठीक। लखनऊ भी दी। ठीक। बरेली भी दी। ठीक। नहीं ऐसा नहीं है, जिन प्रधानमंत्री आवास के आवास प्लस योजना में जिन लोगों का नाम है और उनके पूर्व में मकान पक्के नहीं बने हैं, ऐसे सभी लाभार्थियों को जो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है हम लोगों को भारत सरकार से, उसके माध्यम से सारे आवास दिए जा रहे हैं और बन भी गए हैं। उसी के क्रम में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में 5.5 लाख आवासों की चाबी और उनका वितरण भी कराया गया, गृह प्रवेश कराया गया। इसी क्रम में हमारे जनपद में भी माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ सर की उपस्थिति में